छोटा होता है ना वही बड़ा बनता है। मुझे बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है एंकर से हटके एज एन एक्टर खड़े होने का, तुमने वो भी मुझसे ले लिया। इस वक्त जो मेरे साथ सेलिब्रिटी है उसको देख के आप कहेंगे ओह माय गॉड। एक बार फिर से मेरे साथ मनीष पॉल, ओह माय गॉड। मनीष याद है आपको लास्ट टाइम हम 2017 में मिले थे जी मीडिया के ऑफिस में, आज मैं आया हूँ PVR आपसे मिलने। और लिटरली मतलब फेस्टिवल में आप आए हैं और आपके बड़े ब्रदर भी हैं, आप दोनों लोग साथ में, आप कहते हैं ना कि मैं तो कुछ भी कर लूँ क्योंकि मेरे पास भाई का सपोर्ट है। तो क्या आपका क्या मैसेज है मतलब फेस्टिवल के बाद, और भाई के आपने अंदर भी कहा मुझसे सबसे कहा कि भाई का प्रोग्राम था कैसे मिस कर सकता था, तो कुछ बताइए। मैं चाहता हूँ यार ये मेरे भाई का फेस्टिवल है TGIFF, तो यहाँ तो कुछ भी हो आना बनता ही है। एंड आई एम वेरी हैप्पी। अगर मैं प्रोफेशनली बात करूं तो आई थिंक जो विवेक कर रहे हैं मेरे बड़े भाई कर रहे हैं, आई थिंक बहुत काबिल तारीफ है। बिकॉज हर फिल्म मेकर जो है वो एक रिकग्निशन चाहता है, हर फिल्म मेकर चाहता है कि उसकी फिल्म ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। तो आई थिंक ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और ये न सिर्फ ऐसा है कि इंडिया में ही होगा, ये यू नो थ्रू आउट द वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है। सो आई थिंक दैट्स अ यूनिक थिंग। मनीष एक बात प्लीज़, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे। रिक्वेस्ट ये है कि मनीष ने कुछ मेरे तरफ नहीं बहुत मतलब करियर की शुरुआत जब की थी बिल्कुल यूनिक, आप आरजे थे और मुझे याद है मतलब आपकी ये एंकरिंग, ओ माय गॉड। मैं चाहता हूँ कि ये माइक आप पकड़िए सर, और विवेक सर हैं यहाँ पे, मैं हूँ, आप इंटरव्यू कीजिए सर प्लीज। यार मुझे बड़ी मुश्किल से मौका मिलता है एंकर से हटके एज एन एक्टर खड़े होने का, तुमने वो भी मुझसे ले लिया, तो मैं बड़ी मुश्किल से एक्टर होने फिर उसने मुझे होस्ट बना दिया। ये देखो आज मनीष स्टार है यहाँ पे, मनीष हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। अगर मनीष मेरे ब्रदर नहीं भी होते तो मैं इनको अप्रोच करता और रिक्वेस्ट करता इस फेस्टिवल पे आने के लिए। फिर भी मैं चाहूँगा कि मनीष आपसे सवाल पूछे। हाँ मैं एक सवाल बिल्कुल पूछूंगा। विवेक कैसा लग रहा है आपको आज TGIFF का पहला दिन इतने बड़े स्केल पे, हाउ डू यू फील? देखो ऐसा है कि सबसे बड़ा पर्सनल नोट पे मैं मनीष के साथ खड़ा हूँ, इससे बेटर शुरुआत मेरे लिए नहीं हो सकती। मेरा पहला साल है जब हम फेस्टिवल को इस स्तर पे कर रहे हैं, अगले साल हम इसको दुबई ले जा रहे हैं और दुबई भी मनीष हमारे साथ आ रहा है। आइडिया ये है कि जब हमने साथ में फिल्में बनाई, शॉर्ट फिल्म बनाई, फिल्में शॉर्ट हैं लेकिन उसका स्तर बहुत बड़ा है, उसका मैसेज बहुत बड़ा है। और अपना फेस्टिवल होने का मकसद ये है कि हम और भी फिल्म मेकर्स को चांस दें, जितना मनीष का बॉडी ऑफ वर्क है, जितना इसका एक्सपीरियंस है, उसको साथ रखते हुए वी वांट टू गिव वैल्यू टू एवरी फिल्म मेकर। ये TGIFF का पॉइंट ये है कि देखिए कोई भी फिल्म मेकर छोटा या बड़ा नहीं होता, और आई थिंक ये यहाँ पे आके और ज़्यादा सीखने को मिल रहा है। और हम लोग यही चाह रहे हैं कि हर फिल्म मेकर को आगे आके मौका मिले, कोई अगर वर्ल्ड में कहीं भी बैठा है उसको ये ना लगे यार मेरी फिल्म पहुँची नहीं वहाँ तक, तो फिल्म ना पहुंचे हम लोग पहुंच रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ी बात है। मैं छोटे से शहर से आता हूं, मैं बनारस से आता हूं, तो वहां पे छोटे 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 फिल्म मेकर्स होते हैं जो शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, क्या छोटे गांव छोटे तबके उन जगह के लोगों को इसी तरह से देने का चांस देने का प्लेटफॉर्म ये बन जाएगा? देखो भाई एक ही बड़ी बात मैं बोलता हूँ, जो छोटा होता है ना वही बड़ा बनता है। बिल्कुल, जो बड़ा है वो और कहाँ जाएगा। तो मेरे ख्याल ये छोटे जो फिल्म मेकर हम बार बार बोल रहे हैं ये कब बड़े बन जाएंगे हमें पता नहीं चलेगा, और आई थिंक यही आइडिया था विवेक का। सो बेसिकली आप देखें आज हमने जो फेस्टिवल है ये PVR में आयोजन किया है इसका, लेकिन ये एब्सोल्युटली फ्री है, सो इसको कोई भी आकर के देख सकता है। और अगर किसी ने अपने मोबाइल पे भी फिल्म बनाई है तो हम उसको उसी पर्दे पे दिखा रहे हैं जिस पे आपकी बड़ी कमर्शियल फिल्म चलती है। तो एक फिल्म मेकर के लिए जिसने आपने कहा छोटे शहर से अगर वो फिल्म बनाई और हम उसको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, यही मौका हम देना चाहते हैं फिल्म मेकर को थ्रू आउट द वर्ल्ड। और ऐसा नहीं है, ये वर्ल्ड के किसी कोने में भी अगर आप फिल्म बनाते हैं और शॉर्ट फिल्म है तो हम उसको इन्वाइट कर रहे हैं टू सबमिट। ये फिल्म फेस्टिवल से रिलेटेड बात हुई, लेकिन एक और बात मैं करना चाहूँगा आपसे, और इधर उधर की बात नहीं करो, मैं सीधे बात करता हूँ मनीष से। मनीष आप जब इंडस्ट्री में पहुँच गए मतलब वहाँ से शुरू किया, आप कहाँ पहुँच गए मतलब आइडिया लो यार। आपको लास्ट टाइम मैंने कहा था, मैंने मनीष से लास्ट टाइम कहा था कि सर मैं जब छोटा था, मैं सीरियसली जब छोटा था मैंने इनसे कहा था कि सर मैं छोटा था तो मैं सोचता था कि ये जो एंकर है ना, ये जब एशिया का नंबर वन एंकर मनीष पॉल उसके जैसा बनना है बाबा, तो उसके जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या खाना पड़ेगा बाबा? यार कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस मेहनत करो, जो कर रहे हो दिल से करो, डरो मत। मैं यही मान के गया हूँ, मैं दिल्ली से जब मुंबई गया था मेरे पास कुछ नहीं था, और आज बहुत लोगों का प्यार है, मैं उसे कमाई कहता हूँ। लोग और बहुत सी चीज़ें गिनते हैं, मैं उन्हें नहीं गिनता, तो मैं यही कहता हूँ जो करना है दिल से करो, जस्ट गो फॉर इट मैन, और कोई टेंशन नहीं है। तो मनीष पॉल हमारे साथ थे, और आपको पता है ना मनीष जो बोलते हैं मज़ा आ जाता है। मनीष आपने मज़ा बहुत दिलाया पूरे इंडस्ट्री को, नहीं हर किसी को, वो कहते हैं ना
दिल जिंदा हो जाता है आपसे मिलकर के, हर किसी का दिल जिंदा हो जाता है क्योंकि आप जिंदा दिली इंसान है। थैंक यू सो मच, बस इसी तरह आप लोग प्यार देते रहें।